जैसा कि पिछली वीडियो में आपने टूल्स के बारे में स्टडी किया, अब इसमें जैसे आपके ब्रशेज हैं, ब्रशेज में भी आप देखें तो ब्रश दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ ब्रशेज आर देयर। जैसे ये जो ब्रश है इसका नाम है सिंपल ब्रश, सो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई कलर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसे टेस्ट करें तो ये ब्रश है, इसका साइज आप सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो साइज है वो थोड़ा सा थिक हो सकता है इस ब्रश का साइज। सो यहाँ पे आप देखें तो ये जो ब्रश है इसका जो एज है ये राउंड है। जो नेक्स्ट ब्रश हमारा आएगा, इस ब्रश का नाम है कैलीग्राफी ब्रश 1। सो यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो एज है इस ब्रश का ये थोड़ा सा टिल्टेड है राइट साइड लेफ्ट साइड को। और इसका जो नेक्स्ट ब्रश है उसका नाम है कैलीग्राफी ब्रश 2। इसका जो एज है, आप इसका साइज सिलेक्ट करें तो इसका जो एज है ये राइट साइड को टिल्टेड है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट ब्रश आता है, दैट इज एयर ब्रश। जैसे आप स्प्रे करते हैं इसका भी साइज आप अगर बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, कोई भी कलर आपने सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। अगर आप इसे सिर्फ थोड़ा सा जो है लिटिल क्लिक करेंगे तो वो आपको एक बिल्कुल वो स्प्रे की तरह फीलिंग देगा। और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा क्लिक करके रखेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है वो एक और ब्रश आता है, दैट इज ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश आप देखें तो ये ऑयल की तरह काम करेगा, मींस इसका जो ऑयल है वो कुछ देर के बाद वो खत्म हो सकता है। आप देखें इसको अभी क्लिक आपने छोड़ना नहीं है, ये देखिए इसका जो कलर है वो अभी ये खत्म हो गया है। फिर से आप क्लिक छोड़ेंगे और करेंगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका ऑयल ब्रश आता है। फिर जैसे हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको हटा दें तो यहाँ से इसको हटा दिया और इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से भी इसको भी हम डिलीट कर देंगे डिलीट प्रेस करके। सो नेक्स्ट आपका जो ब्रश आता है ये आता है क्रेयॉन्स। सो यहाँ पे आप इसका साइज सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखें तो ये क्रेयॉन्स के जैसे होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है मार्कर टाइप। मार्कर टाइप अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी कलर सिलेक्ट करिए आप, जैसे ये रेड कलर सिलेक्ट किया आपने मार्कर का और तो आप देखें ये मार्क की तरह काम कर रहा है बट इसका जो इंक है वो खत्म नहीं होगी जैसे कि ऑयल ब्रश में हो गई थी। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आपका आता है नेचुरल पेंसिल। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और ये आपकी पेंसिल आती है। इसका आप साइज देखें तो ये देखिए इसका साइज, ये आपकी नेचुरल पेंसिल। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आता है वाटर कलर ब्रश। वाटर कलर ब्रश भी एक जैसे ऑयल ब्रश की जैसी है, इसका भी साइज आप देखें तो ये भी कुछ देर के बाद इसका जो कलर है जो वाटर कलर है उसकी जो इंक है वो खत्म हो जाएगी। सो इस तरह से आपने देखा कि आप ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। इसे आप सिलेक्ट करेंगे या तो सिलेक्ट यहां से करेंगे या कंट्रोल ए करेंगे दैट इज सिलेक्ट ऑल और इसको हम यहां से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आती है आपके पास शेप्स। शेप्स में क्या होता है आप यहां पे देखें तो ये एक लाइन आती है, आपने लाइन सेलेक्ट की और कोई लाइन ड्रॉ की विद दैट कलर। तो आप देखें यहाँ पे आपकी जो लाइन है वो सही ढंग से नहीं आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और आप देखें जिस तरफ को भी आप ये लाइन लेके जाएंगे वो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी। सो आप क्या करें, पहले लाइन बना लें फिर क्लिक छोड़ें और फिर शिफ्ट छोड़ें। अभी तक आप देखें तो आपकी लाइन जो है ये सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे ये दो डॉट्स बने हुए हैं। अभी तक अगर आप चाहें इसमें अमेंडमेंट करना, इसे छोटा करना बड़ा करना वो कर सकते हैं,
बट एक बार अगर आपने ये लाइन बना ली, मीन्स उसके बाद जब आपने एक बार बना ली उसके बाद इसको छोड़ दिया, तो उसके बाद आप इसे ठीक नहीं कर सकते। ये देखिए आप, अब आप इसे चाहेंगे तो इसे आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आप इसमें कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ये कंट्रोल जेड क्या होता है? कंट्रोल जेड होता है अंडू। अंडू मीन्स आपने जो स्टेप आगे चला है उस वो स्टेप आप एक पीछे आ सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। ये इनको कहते हैं हम शॉर्टकट कीज। उसके बाद आप देखें यहाँ पे, तो ये हमारा है, यहाँ पे साइज देखें आप, तो साइज में भी आप जो लाइन का साइज है उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो है कर्व शेप। कर्व शेप में आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी कलर और यहाँ पे आप इसे बनाएंगे एक पॉइंट, फिर क्लिक छोड़ के क्लिक करेंगे दोबारा, ये दूसरा कर्व, और एक बार फिर आप क्लिक छोड़ के दोबारा करेंगे तो ये तीसरा, बस उसके बाद छोड़ेंगे तो आपका वो कर्व वैसे ही बन जाएगा। सो आप इसका जो साइज है यहाँ पे देखें, वही साइज सिलेक्ट था, तो ये साइज आप इसका बदल सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं, जैसे आपने जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आप चाहते हैं इसकी जो आउटलाइन है ये थोड़ी क्रेयॉन स्टाइल में आए, मार्कर स्टाइल में आए, ऑयल में आए, नेचुरल पेंसिल स्टाइल में आए, वाटर कलर स्टाइल में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई पेंसिल, जैसे आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे क्रेयॉन, अब जो आप पेंसिल बनाएंगे और जैसे आपने सिलेक्ट किया इसका साइज, तो ये देखिए आप, ये पेंसिल आपकी क्रेयॉन स्टाइल में बन रही है। ये देखिए, कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे यहां से ऑयल, तो ये ऑयल स्टाइल में बनेगी। ये देखिए लाइन, लाइन कर्व जो आपने वहां से सिलेक्ट किया है वो वैसा ही बनेगा। क्रेयॉन में करेंगे तो क्रेयॉन में बनेगा। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो उसके बाद हम कंट्रोल ए करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट शेप आती है ओवल शेप। ओवल शेप में ये एक हमारी जो एग शेप में बनेगा शेप ओवल शेप से, और क्रेयॉन सिलेक्ट है तो बिल्कुल वो क्रेयॉन स्टाइल में आ रहा है। आप इसे चेंज कर सकते हैं जैसे सॉलिड कलर या नो आउटलाइन, तो आप करेंगे सॉलिड कलर। आपने जैसे ही नो आउटलाइन किया तो वो शेप बिल्कुल वहां से हट गई, सॉलिड कलर। तो आप देखें यहाँ पे ये बिल्कुल एक्लिप्स बन रहा है। एक्लिप्स मतलब एक एग शेप में। अगर आप चाहते हैं सर्कल बनाना है तो सर्कल भी बन सकता है, बट अगर आप चाहते ही है कि वो सर्कल ही बने, तो आप जब भी ओवर बनाएंगे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, वो आप जैसे मर्जी घुमाइए उसे, वो हमेशा सर्कल ही बनेगा। आप देखिए यहाँ पे वो हमेशा सर्कल ही बनेगा, बट आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है। फिर उसके बाद जैसे आप चाहते हैं, इसमें आपने ये फिर सिलेक्ट किया है, ये है क्रेयॉन, तो यहाँ पे आप देखें तो ये आउटलाइन आपने सिलेक्ट की है, ये है आपकी सॉलिड। तो जब भी आप कोई नेक्स्ट शेप बनाएंगे या यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पे इसके लिए आपने जो सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने नेक्स्ट शेप बनाई तो इसके लिए सिलेक्ट किया मैंने क्रेयॉन फिल, तो नेक्स्ट शेप ये बनी और इस पे हमने सिलेक्ट किया, तो आप देखें यहाँ पे ये क्रेयॉन फिल हो रहा है। कोई भी नेक्स्ट शेप, जैसे आप ये बनाएंगे रेक्टेंगल बनाएंगे और जब उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये क्रेयॉन फिल होएगा। तो आप देखें यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप है जिसके पास, जिसके दो साइड सेम होती है। सो दिस इज योर रेक्टेंगल शेप। नेक्स्ट भी आपका रेक्टेंगल ही है, बट इसे कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। इसके जो एजेस होते हैं वो राउंडेड होते हैं। ये देखें आप यहाँ पे इसके जो एजेस हैं ये राउंडेड हैं। सो इसलिए हम इसे कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। सो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे फिल सिलेक्ट करते हैं ऑयल, तो यहाँ पे आप जब भी फिल करेंगे आप ये ऑयल फिल होएगा। जब आप सिलेक्ट करेंगे जैसे कोई एक नई शेप, बट उससे पहले हम करते हैं इसे हम डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट और कंट्रोल ए एंड देन डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स विच इज हैविंग नंबर ऑफ साइड, जिसकी कितनी भी साइड हो सकती हैं। यहाँ पे देखें आप कोई भी शेप आप बनाना चाहते हैं तो आप उसे और बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ये आपका आ गया पॉलीगन। अभी तक इसको भी आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट एक बार जब आपने इसको बाहर क्लिक कर दिया तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते। सो जैसे ये है आप देखिए यहां पे ये पॉलीगन है, इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे कि इसमें कौन सा आपने जो कलर है वो फिल करना है। तो आप जैसे ऑयल सिलेक्ट करते हैं, यहां पे उसने सिलेक्ट किया और ऑयल फिल कर दिया। इसी तरह से ऐसे आपके पास बहुत सारी शेप्स आती हैं, जैसे ट्रायंगल आता है, ये आपका राइट ट्रायंगल आता है। तो जैसे जैसे आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे वो वैसी वैसी शेप बन सकती है, उसको आप फिल कर सकते हैं, किसी और कलर से फिल करना है किसी और से कर दो। सो ये जैसे आपके पास डायमंड आता है, उसके बाद आपके पास ये पेंटागन आता है, उसके बाद जैसे ये आपके पास हेक्सागन आता है, सब में आप फिल कर सकते हैं कलर। फिर जैसे उसके बाद आपके पास ये जैसे हेक्सागन तो आपने बना लिया, आप सेलेक्ट करें कंट्रोल ए एंड देन डिलीट। नेक्स्ट आपके पास ये एरोज आते हैं, जैसे ये राइट एरो है, देन नेक्स्ट ये आपके पास लेफ्ट एरो आता है जो लेफ्ट साइड को सिंबलाइज करेगा, ये देखें आप इसे आप बराबर कर सकते हैं। उसके बाद ये अप एरो आता है, ये आपने बनाया यहां पे, उसे जब फोर हेडेड एरो आएगा उसे आप उठाएंगे और यहां पे रख देंगे, और इस तरह से नेक्स्ट हमारा ये आता है। क्लियर? एंड देन उसके बाद आप ये कलर अगर फिल करना चाहते हैं तो आप उसमें कलर ये फिल कर सकते हैं। ये देखिए, और उसके बाद आप ये करेंगे कंट्रोल ए और देन डिलीट। तो ये आपकी शेप्स आती हैं। उसके बाद आप देखें तो यहां पे आता है फोर पॉइंट स्टार, ये स्टार है, ये फाइव पॉइंट स्टार और ये सिक्स पॉइंट स्टार। क्लियर? जैसे इसको आप यहां रखना चाहते हैं, इसको आपने सिलेक्ट किया और इसको भी आप उठा सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं कंट्रोल जेड, थोड़ा सा आप सिलेक्ट पूरा करें इसको और यहाँ पे उठा के रख दें। सो ये आपके स्टार्स बन गए। उसके बाद आप कंट्रोल ए करेंगे, देन फिर से आप डिलीट कर देंगे, नेक्स्ट शेप आती है, जैसे ये आता है आपका राउंडेड रेक्टेंगुलर कैल आउट। जैसे सपोज आपने कॉमिक्स में देखा होगा, आप यहाँ पे कुछ चीज बोल रहा है तो आप उसके फेसेस के ऊपर लगा देते थे। जैसे ये है आपका राउंडेड रेक्टेंगुलर कैल आउट, और ये है आपका ओवल कैल आउट, ये देखिए। उसके बाद ये है आपका क्लाउड कैल आउट, ये आपकी शेप्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये हार्ट, दिस इज हार्ट। ये जो हार्ट है इसको भी आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, ये देखिए इनको फिल करना है तो इनको भी कर सकते हैं आप फिल जैसे मिल। देन ये आता है आपका लाइटनिंग थंडर, लाइटनिंग शेप है, इसको भी आपने फिल करना है तो कर सकते हैं। जैसे कलर फिल, कोई सिलेक्ट करें यहां से कलर,
सो जैसे आपने इस लग किया और ये इसमें फिल कर दिया, तो ये आपका आता है थंडरिंग। तो इस तरह से हमारी ये जो शेप्स हैं ये बनती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।